जहाँ से यात्रा होती है यहीं पूरन होती है। उधर गौ घाट है, वहाँ गायों को पानी पिलाया। देखो इस पेड़ को कितना पुराना है, दीवार देखो, दीवार की ईंट देखो, आप खुद समझ जाएंगे कि ये आजकल की तो नहीं है। शोभित हमें बड़े बूढ़े जी और मंदिर है हजार जी, हम चलेंगे ईमानदारी से, मैं चीज दिखाएंगे आपको। यहाँ कुछ पुराने घरों को तोड़ दिया गया है। आप देख ही सकते हैं यहाँ की दीवारें, यहाँ के मकान, ये माखन चोर गलियाँ हैं। भगवान श्री कृष्ण जब माखन चोरी करके भागते थे ना, तो इन्हीं गलियों से जाते थे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। देखो जी है मान गली और जी है दान गली और जी है माखन चोर गली। मथुरा यात्रा में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां दर्शन करने जाया जाता है, फिर चाहे वृंदावन हो, गोवर्धन हो, बरसाना हो या फिर गोकुल। आज मैं आपको गोकुल लेकर चलूंगा जहां भगवान श्री कृष्ण का घर मौजूद है। कृष्ण जी के घर भी आपको लेकर चलूंगा और आसपास की उन सभी जगहों पर लेकर जाऊंगा जो कृष्ण जी के समय की हैं। घर बैठे आपकी गोकुल यात्रा हो जाएगी, साथ ही आपको बताऊंगा कि आप गोकुल यात्रा कैसे कर सकते हैं, गोकुल की परिक्रमा कैसे करनी है और आपको दर्शन कराऊंगा गोकुल गाँव के। 5248 साल बाद गोकुल कैसा दिखता है और पहले कैसा दिखता था, वो सब आपको आज इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। गोकुल यात्रा की संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, तो इस वीडियो को एंड तक एक बार पूरा देखिएगा। कमेंट बॉक्स में जय जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स अभी गोकुल में है, नंद भवन आपको लेकर चलूंगा जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। पूरा गोकुल आपको घूमने के लिए मिलेगा, कैसे आप यहाँ आ सकते हैं, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, सारी डिटेल आपको दी जाएगी। यहाँ के रील फोटोज देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये गोकुल गांव का शुरुआती पॉइंट है। यहाँ पर एक कार पार्किंग बनी हुई है, अगर आप अपनी कार से आते हो तो यहाँ पर पार्किंग भी लगा सकते हैं। बसेस भी यहाँ खड़ी रहती हैं। इस जगह के आसपास में अब कुछ नए होटल्स भी बन चुके हैं, पहले यहाँ होटल्स नहीं थे, अब गोकुल में नए नए होटल और धर्मशालाएं बननी शुरू हो चुकी हैं। दिन प्रतिदिन गोकुल में अब नया विकास होने लगा है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। तो फ्रेंड्स अभी हम आ पहुंचे हैं गोकुल में। ये जो रास्ते आप देख रहे हैं ये गोकुल गांव के हैं, यही रास्ता हमें भगवान श्री कृष्ण के घर भी लेकर जाएगा। अब यहाँ पर एक नया विकास होने लगा है, आसपास में काफी बड़ा बाजार बन चुका है, खाने पीने के लिए होटल रेस्टोरेंट्स बन चुके हैं। ये गोकुल का ऑटो रिक्शा स्टैंड है, वृंदावन से, गोवर्धन से, मथुरा से आप ऑटो रिक्शा के थ्रू गोकुल घूमने आ सकते हैं। यहाँ बहुत से होटल्स का भी निर्माण हो चुका है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ पवित्र पावन कुंड पर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण नहाने आया करते थे, पेड़ पर चढ़कर बंसी बजाया करते थे। यहाँ से यात्रा होती है यहीं पूरन होती है। उधर गौ घाट है, वहाँ गायों को पानी पिलाया। सब लोग माथा लगाइए, यहाँ से यात्रा शुरू होती है। माथा लगा ले और हंस ले, आहा, चढ़ा दो 5 रुपया, खाली मत जाए, तीरथ है ये। ये जो कुंड आप देख रहे हैं, बताया जाता है कि ये कुंड कृष्ण जी के जमाने का है। यहाँ पर कृष्ण जी अपनी गायों को चराने आया करते थे। माता यशोदा ने छठी करी थी कृष्ण जी की, यहाँ पर उनके कपड़े धोए थे इस कुंड में। और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, इसी पेड़ पर चढ़कर कृष्ण जी बंसी बजाया करते थे। तो बहुत ऐतिहासिक जगह है, गोकुल आने वाले श्रद्धालु सबसे पहले इस कुंड के दर्शन करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। गोकुल के इन बाजारों से घूमते हुए हम कृष्ण जी के घर भी जाएंगे। एक तरफ जहां यहां विकास की नई लहर आई है, तो दूसरी तरफ यहां पर गोकुल के पुराने वही घर देखने के लिए मिलते हैं। ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं ये गोकुल का मुख्य गेट है, यहीं से गोकुल गांव की शुरुआत हो जाती। नंद बाबा का पहला द्वार, मथुरा जेल में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। आधी रात के समय बासदेव जी चोरी के रास्ते से लाए और नंद के यहाँ छिपाए गए। यहाँ जसोदा के यहाँ जोग माया कन्या भाई उसको वापिस ले गए। चलिए गेट के अंदर चलते हैं और गोकुल गांव आपको घुमाते हैं। मैं यहाँ जगह जगह देख पा रहा हूँ कि बहुत से घरों में ताले डले हुए हैं, काफी घर खुले हुए हैं लेकिन 50% से ज्यादा घर बंद हैं।
गोकुल में चार बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं जिसमें 10,000 से ज्यादा गाय हैं और कृष्ण जी के पास तो 9,00,000 गाय थी। अभी मैं पहुंच चुका हूँ मीराबाई भजन आश्रम के पास। मीराबाई भजन आश्रम मंदिर द्वारा खर्चा चलता है उनका। मीराबाई को कौन नहीं जानता, कृष्ण जी की परम भक्त थी। उनका यहाँ पर आश्रम भी बना हुआ है, यहाँ भी नित्य प्रतिदिन ऐसे ही भजन कीर्तन चलता रहता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ के बहुत से घरों में ताले डले हुए हैं, लोग गोकुल गांव को छोड़कर चले गए हैं। यहाँ की कुछ सड़कें पूरी तरह से खाली खाली और सूनी पड़ी रहती हैं। हालांकि अब यहाँ पर पिछले कुछ वर्षों में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है, लोग गोकुल की परिक्रमा भी करते हैं। पूरी मथुरा ब्रज यात्रा में 84 कोस की परिक्रमा होती है जिसमें गोकुल की परिक्रमा भी सम्मिलित है। गोकुल में करीब 10 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, लेकिन आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के घर लेकर जाऊंगा और साथ ही आपको परिक्रमा भी कराने वाला हूं। गोकुल की परिक्रमा करते करते मैं पहुंचा दर्शनेश्वर महादेव मंदिर के पास। दर्शनेश्वर महादेव, ये लाला के दर्शन करने आए हैं। बाल कृष्ण कृष्ण है, बाल कृष्ण वृंदावन में है। गोपेश्वर गोपी का रूप धारण करके रास में नाचती है। मथुरा में है भूतेश्वर, दर्शनेश्वर लाला के दर्शन करने आए। मैया ने इनको आज्ञा नहीं दी क्योंकि लाला छोटा सा डर जाएगा, पर कृष्ण इनकी लगन को जानता है और महादेव कृष्ण की लगन को जानता है। कृष्ण ने बुलाए महादेव को, देखो हमें बड़े बूढ़े मंदिर है यहाँ हजार जी, हम चलेंगे ईमानदारी से, मैं चीज दिखाएंगे आपको। आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोकुल गांव बहुत पुराना है, यहाँ के घर देखकर भी लगता है कि कुछ घर तो बहुत सैकड़ों हजारों साल पुराने हैं। गोकुल के इन पतले पतले रास्तों से घूमते हुए, गोकुल की परिक्रमा करते हुए मैं पहुंचा एक ऐसे पॉइंट पर जहां से दो अलग अलग रास्ते थे। एक रास्ता सीढ़ी नुमा रास्ता था जो सामने की तरफ जा रहा था और एक रास्ता बाई ओर था जो गोकुल गांव की तरफ जाता है। लेकिन मैं पहले जाऊंगा भगवान श्री कृष्ण के घर, तो मैं सीढ़ियां चढ़कर पहुंच गया ऊपर। यहां पर आसपास में फूल और प्रसाद की दुकानें हैं। थोड़ा सा आगे चलकर मैं पहुंचा चंद्रावली गुजरी। चंद्रावली गुजरी है, ललिता विशाखा चंद्रावली। इस जगह के बारे में बताया जाता है कि यहां पर धरती का एक हिस्सा ऐसा भी है जो भगवान श्री कृष्ण के जमाने का है। लोग यहां आने के बाद वहां की मिट्टी को माथे से लगाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। गोकुल की इन पतली पतली गलियों से गुजरते हुए एक छोटे से रास्ते को मैंने देखा जहां पर भगवान श्री कृष्ण की खूबसूरत चित्रकारी की गई है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। देखो जी है मान गली और जी है दान गली और जी है माखन चोर गली, बरसाने की गुजरी और गोकुल के भगवान और मारक में झगड़ो मचो मांगे जूते ही को दान। जी जान ले रहे हैं भगवान, ये गोपी लोग दूध ही बेचने आई हैं। अदा का मतलब समझो, ए बहन जी हो समझो, जी लोग जी जानती गोपी कहाँ मछरा दूध ही बेचवे तो मैं राजा कंस का कर लगता तो न सलाह करी। अरे इधर कंस कर दे जाते, इधर कृष्ण ना कर दे गोकुल ना चलो, दर्शन की दर्शन करेगी गोरस की गोरस बेची में। माखन चोर गली में आ गए हैं, जिन गलियों से भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी करकर भागा करते थे। ये जो गलियां आप देख रहे हैं ये गलियां 5,248 साल पुरानी हैं, भगवान श्री कृष्ण के जमाने की हैं। चलिए आपको लेकर चलता हूँ भगवान श्री कृष्ण के घर। ये जो रास्ता है ये रास्ता हमें लेकर जाएगा कृष्ण जी के घर तक, वही पुराने पुराने रास्ते हैं। और रास्ते में काफी घर भी मौजूद है जिनमें ताले डले हुए हैं। दीवारों को देखकर ही लग रहा है कि ये जगह बहुत पुरानी है। तो भगवान श्री कृष्ण के जयकारों के साथ यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार बोलो जोर से, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। वृंदावन बे।
बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी लाल की जय। गोकुल की माखन चोर गलियों से निकलकर मैं पहुंचा हूं गोकुल के एक दूसरे हिस्से पर। यहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, काफी बड़ा बाजार बन चुका है और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का घर है। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, सामने जो आप घर देख रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण का घर है। मैं घर के अंदर भी आपको लेकर चलूंगा, लेकिन पहले गोकुल की पूरी परिक्रमा करते हैं, उसके बाद कृष्ण जी के घर के दर्शन भी मैं आपको कराऊंगा। हम करेंगे अपना ईमानदारी का काम। सही बात है, हम भी 80 वर्ष के बड़े हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता हमें लेकर जाएगा यमुना जी तक। गोकुल जाना जाता है अपनी गौशालाओं के लिए। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर 4 बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं और जगह जगह बहुत सी गाय हमें देखने के लिए मिलती हैं। हम सभी जानते हैं कृष्ण जी को असीम प्रेम था गाय और ग्वालों से। बताया जाता है कि यहाँ पर गाय को चारा खिलाना एक बहुत बड़ा पुण्य के काम माना जाता है। ये नज़ारा देखिए आप, इस दीवार को देखिए और इस दीवार पर लगे इस खूबसूरत पेड़ को देखिए। दीवार को देखकर ही पता लग रहा है कि ये दीवार सैकड़ों हजारों साल पुरानी है और भगवान श्री कृष्ण के घर के ठीक पीछे का ये हिस्सा है। इस जगह के ठीक दाईं ओर यमुना जी है, मैं आपको वहां भी लेकर चलूंगा। और यह श्री जी बाबा द्वार ठाकुरानी घाट गोकुल। चलिए यमुना जी पर चलते हैं और यमुना जी के दर्शन करते हैं और मैं लेकर चलूंगा आपको वहां पर जहां से भगवान श्री कृष्ण मथुरा से गोकुल पहुंचे थे। नंद घाट है जी। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की और जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, यहाँ आरती होती है यमुना माई की। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये यमुना जी का मंदिर है। यहाँ पर नित्य प्रतिदिन सुबह और शाम को यमुना जी की आरती का आयोजन किया जाता है। सैकड़ों लोग यहाँ पर यमुना जी आरती में सम्मिलित होते हैं। घाट है वासुदेव घाट, मथुरा जेल में तो श्री कृष्ण भगवान ने लेकर वासुदेव जी निकले सूप में लाए। भादों का महीना, अष्टमी का रोज और रात के 12 बजे चोरी करके लाए तो यमुना जी के किनारे किनारे लाए, सड़क के रास्ते से नहीं लाए। तो राजा कंस का एक भी पहरेदार जग गया, चोर चोर करके हमको भी मारे, हमारे बालक को भी मारे, चोरी के रास्ते से लाए। वहाँ पर हाथ का लकड़ी और पैर का खरामू दोनों छोड़ करके अंदर घुसे। यमुना माई चरण छीने के लिए भरने लगी, घाटू घाटू पानी हुआ, जांग जांग पानी हुआ, कमर कमर पानी हुआ, छाती छाती पानी हुआ, थोड़ी थोड़ी पानी हुआ। बासे भी घबरा गया तो विचार करा भगवान ने कि नहीं तो मेरे को गोकुल को पहुँचाइए। तो बासे भी घबरा के कहने लगे कैसे पहुँचाएं, तो भगवान ने कि नहीं पिता घबरा गया, रास्ता तो पीछे से चरण लटकाया, पिता को मालूम नहीं पड़ने दे, मैंने पीछे से चरण लटकाया, जमुना माई ने चरण छीकर घटू घटू रास्ता दे कर दिया। चरण छी जमुना उतरानी, घटू घटू हो गया पानी। नंद घाट पे विश्राम लिया, कपड़ा मिचोरा और नंद के यहाँ कृष्ण को छिपाए गए। ये नज़ारे हैं नंद घाट के, गोकुल के पास यमुना जी के। इसी जगह से वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को मथुरा से गोकुल लेकर आए थे। जब राजा कंस ने पछीती बाएं हाथ की भुजा हाथ में रह गई, बिजली बन गई। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये योग माया मंदिर के नाम से जाना जाता है। योग माया यशोदा मैया की बेटी थी। वासुदेव कृष्ण जी को यहाँ लेकर आए और यशोदा की पुत्री योग माया को अपने साथ कंस के घर ले गए। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ भगवान श्री कृष्ण के घर। सामने लिखा है श्री नंदपुर। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये कृष्ण जी के जमाने का पेड़ है। इस पेड़ के बारे में बताया जाता है कि मैया यशोदा जब कृष्ण जी की शरारतों से परेशान हो जाती थी तो वो उन्हें इसी पेड़ के सहारे बांध दिया करती थी। चलिए कृष्ण जी के घर के अंदर चलते हैं। पतली पतली गलियों से होते हुए हम पहुँचे श्री नंद किला नंद भवन में। ये नज़ारा है भवन के ठीक बाहर का। तो भोग लगता है जगन्नाथ में, भात का भोग, बद्रीनाथ में चना की दाल का भोग और यहाँ माखन और मिश्री का भोग। कृष्ण जी के इस घर में माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। घर में प्रवेश के 2 अलग अलग द्वार हैं। मैं दूसरे द्वार से आया हूँ। यहाँ पर पत्थरों पर यहाँ के दान दाताओं का नाम लिखे गए हैं।
और सामने लिखा है मंदिर श्री नंद किला नंद भवन, कृष्ण जी का घर यही है। यहाँ पर एक स्पेशल परमिशन लेकर ही मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, हालांकि आप यहाँ फोन या कैमरा नहीं चला पाएंगे। ये सामने आप खिड़की देख रहे हैं, इस खिड़की से यमुना जी का एक खूबसूरत नज़ारा देखा जाता है। वो सामने यमुना पार जो आप शहर देख रहे हैं वो मथुरा है, वहीं से वासुदेव कृष्ण जी को सिर पर रखकर यमुना जी पार करने के बाद इसी घर में जहां मैं अभी खड़ा हूं यहां लेकर आए थे। नंद किला नंद भवन में अभी मैं मौजूद हूं, आप घर बैठे भगवान श्री कृष्ण के घर के दर्शन कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। यहां पर कृष्ण जी के बाल रूप के दर्शन होते हैं और पूरे परिवार के दर्शन होते हैं। अभी आप दर्शन कर रहे हैं शंकर भगवान के, शंकर भगवान भी कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए इसी घर में आए थे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन होते हैं। जैसे माता के पास में बच्चा जाता ना दूध पीने के लिए, ऐसे मैं कन्हैया खिला, पापा चले कन्हैया, आ जाओ। यहाँ आने वाले श्रद्धालु कृष्ण जी को झूला झुलाते हैं। इस मंदिर में धरती का एक हिस्सा ऐसा भी है जो पूरी तरह से कच्चा है, बताया जाता है कि वो हिस्सा भगवान श्री कृष्ण के समय का ही है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु धरती के उस हिस्से से मिट्टी को अपने माथे पर लगाते हैं जिसे बहुत पवित्र माना जाता है। वीडियो में तो मैं आपको दर्शन नहीं करा पाऊंगा, जब आप यहाँ आएंगे तो आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण के यहाँ दर्शन कर पाएंगे। मंदिर की परिक्रमा करने के बाद मैं पहुंच गया पूतना मोक्ष के मंदिर के पास, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मोक्ष प्रदान किया था। ये जगह बहुत ऐतिहासिक है, यहाँ आने के बाद एहसास होता है कि हम साक्षात भगवान श्री कृष्ण के घर में पहुंच चुके हैं। ये धरती बहुत पवित्र है। मथुरा यात्रा के बाद हमें गोकुल यात्रा जरूर करनी चाहिए। ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये कृष्ण जी के घर के बाहर का है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कृष्ण जी के भाई बलराम के घर। आखिर बलराम गोकुल में कहाँ निवास करते थे? वैसे तो बलराम जी का घर गोकुल से थोड़ा दूर बलदेव गांव में है, वही मुख्य घर भी है, लेकिन गोकुल में भी एक मंदिर बलराम जी का मौजूद है। मुख्य बाजारों से होते हुए मैं पहुंचा बलराम जी के घर। यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। कृष्ण जी के दर्शन करने के बाद सभी श्रद्धालु बलराम जी के दर्शन करने के लिए भी यहाँ आते हैं। इस मंदिर में भी कैमरा ले जाने की परमिशन नहीं है। मंदिर के बाहर अब काफ़ी बड़ा बाजार बन चुका है। आप भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप की बहुत सी वस्तुएं यहाँ पर खरीद सकते हैं, और इसी तरह से यहाँ गोकुल की परिक्रमा भी पूरी होती है सभी दर्शनों के बाद। यात्रा परिक्रमा पूरन भाई हमारी मन इच्छा पूरी करना। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? शोभित। आपकी घरवारी का नाम? पारुल। दोनों का जुगल जोड़ी बना रहे हैं, लेकिन हमारी यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होगी। इस वीडियो से बने रहिएगा, अभी मैं आपको दूसरी जगहों पर लेकर चलूंगा। गोकुल की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपके साथ शेयर करूंगा। गोकुल गांव में अब रोजाना हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर काफी अच्छा बाजार बन चुका है, आप कपड़ों की खरीदारी यहाँ पर कर सकते हैं। गोकुल के खान पान की बात करें तो यहाँ पर काफी सारे रेस्टोरेंट ढाबे बन चुके हैं। थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए रुके हैं गोकुल में, छोले पूरी ऑर्डर किया है और ये छोले पूरी। गोकुल में 10,000 से ज़्यादा गाय हैं, तो यहाँ पर दूध दही मक्खन से बनी हुई बहुत सी अलग अलग व्यंजनों का स्वाद लिया जा सकता है। ऐसी बहुत सी दुकानें गोकुल में मौजूद हैं। गोकुल आने के बाद आप यहाँ के प्रसिद्ध पेड़े भी खरीद सकते हैं जो यहाँ के ही गायों के दूध से बनाया जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि गोकुल कैसे आ सकते हैं। दिल्ली से गोकुल की दूरी करीब 180 किलोमीटर है, मात्र 3 से 4 घंटे में आप दिल्ली से गोकुल पहुंच जाएंगे। दिल्ली से मथुरा के लिए बहुत सी बस मिल जाती है और मथुरा से गोकुल की दूरी मात्र 10 किलोमीटर है। ये जो ऑटो रिक्शा आप देख रहे हैं मथुरा से गोकुल के बीच में ये सब चलते हैं। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन मथुरा में है। मथुरा से गोकुल के लिए आपको बस, ऑटो रिक्शा और कैब की सुविधा मिल जाती है। ज़्यादातर लोग ऑटो रिक्शा के थ्रू आते हैं। गोकुल में एक बहुत बड़ा ऑटो स्टैंड भी बना हुआ है। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये गोकुल के ऑटो स्टैंड का है। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट आगरा में है, दूरी करीब 55 किलोमीटर है।
आपके शहर से आगरा तक फ्लाइट नहीं है तो आप दिल्ली आ जाइए और दिल्ली से बाय रोड बाय ट्रेन दोनों तरह से आप गोकुल पहुंच सकते हैं। अगर आप वृंदावन में हैं तो वृंदावन से गोकुल की दूरी 25 किलोमीटर है। वृंदावन से मथुरा आइए और मथुरा से गोकुल पहुंच जाइए। गोकुल पहुंचना बहुत आसान है। गोकुल यात्रा एक यादगार अनुभव देती है। अगली वीडियो में आपको पुराने गोकुल लेकर चलूंगा। वहां पर भी भगवान श्री कृष्ण का घर है और दावा किया जाता है कि वही घर भगवान श्री कृष्ण का असली घर है। तो आने वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा, आपके घर बैठे पूरी गोकुल यात्रा हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो सभी लोगों के साथ शेयर जरूर करें ताकि तमाम सभी लोगों को भगवान श्री कृष्ण से जुड़े इस खूबसूरत गांव की सही जानकारी मिल जाए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए बाय। जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधे।